तू आ कर ना गल सुन कर तू जो है तू दस वे तू जो है वे मामला एवं उथला पता तेन है कख नहीं जाने तेरी बुला की बुला है पंगे पुठे सीधे लैंगे बाजी चंदा भी बैठे ने। हां जी बाजी तुसी सुनाओ कुछ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, बहुत बहुत मुबारक हो। सब तो पहले उस्ताद मोहतरम एक बस रिक्वेस्ट है, सवाल जिहा ही है कि बस ये रहनुमाई फरमाओ कि तुसी ते चूंकि हुण ताज़ा ताज़ा हुक्म हो के आए हो ते दसो जरा कि जिहड़ी लेडीज का जाना या मावां का या बीवियां का जाना नाल तुहाडे फैमिली का जाना मतलब बाइसे इज्जत है और उते बकायदा ख्याल रखा जाता है या तक्कम तक्का होता है बस ये रहनुमाई फरमा दो क्योंकि बहुत सारी नवा जड़िया जाना चाहनी है। हाँ जी जी मैं नवा थोड़े दो पहलू ने एक तो है कि शरीयत की कहती है दूसरी है कि उथों के की हालात ने यह दो चीज़ दूजी गल पहले अर्ज कर दिया कि औरत की बड़ी इज्जत मक्के मदीने च भी मैं वेखिया इत्थे भी वेखिया औरत की बहुत इज्जत होंदी है बहुत एहतराम ए छछोरापन है तुहाडे सिर्फ पाकिस्तान इंडिया च पाया जाता है शायद पूरी वर्ल्ड च किधरे छछोरापन नहीं है यह गल रेंज रखिया जी यूरोप दे विच भी तुहानूं जिहड़ी वीडियोज विखाईआं जांदीआं ने वीडियोज कुछ होर ने इन्हां वीडियोज नूं खुद यूरोपीयन जिहड़े ने जिहड़े अंग्रेज ने सही नहीं समझदे कहिंदे की है यह मखसूस कुछ लोग ने जिहड़े काम कर रहे ने वो इंज दियां वीडियोज बना के या इंज दा वो कल्चरल पेश करते हैं कि औरत इंज दी है ते समझ रहे कि ते वैसे मैं तो यूरोप दा वीडियो च जो वेखे तो वही तुम दस सकता वा। अच्छा दूसरी बात है वे कि किहदा नाम है बड़ी इज्जत एहतराम औरत नूं बहुत इज्जत और एहतराम दिंदे ने फिर वेखो तुसी के मैं जिहड़ी चीज़ नोट की थी, मैं तो एक एक चीज़ नोट कर रहा सा और क्योंकि मैं एक मुहक्कीक आदमी हाँ तहकीक करना रिसर्च करना मेरा सेवा है मेरा पेश है और जरूरी है मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हाँ इन सारिया चीज़ा की आगही होना मेरे वास्ते जरूरी है ते बहुत इज्जत है औरत की बहुत इज्जत करते ने एहतराम करते ने। अब शरीयत की तरफ आ जाइए अल्लाह फाजले बरेलवी मना करते अगर ते अल्लाह दा फतवा देखो अल्लाह ने बड़ी सख्ती नाल औरतां दी मजारा दे उते हाजरी मना की और अगर बात करो मर्दां दी तो मर्दां दा भी अल्लाह फाजले बरेलवी ने कहा कि किसी भी मजार ते जाओ तो दस कदम हट के खड़े होने जालियां दे करीब नहीं जाना जेड़े कहंदे ने ना बरेलवी मुशरक कबरां दे पुजारी हाला दा फतवा है वे समझे क्या नहीं वो है वे फतवा। अच्छा अच्छा ए ते वे कुछ फतवे दी हद तक दियां गल्लां ने फतवा कुछ होर कहंदा है इश्क मस्ती कुछ होर कहंदी हुण वेखो हुण हजूर हजूर अलैहि सलातु सलाम दी जालियां नूं मैं दे कोल अज तक नहीं गया अज तक नहीं गया हुण मेरी अपनी कैफियत हुण ऐ इहनूं फतवा नहीं इहनूं एक बंदे दी जाती एक तुसीं कह सकदे हो राय कह सकदे हो या कैफियत कह सकदे हो इह फतवा नहीं फतवा कुछ होर है ते इश्क दा मामला कुछ होर है समझ आई कि नहीं फतवा कुछ होर कहता है इश्क कुछ होर कहता है इन्ना माला मालू बिन्नी अमाल का दर हों नीचता देते होंगे और मैं तो दूर दूर ही रहना वा हजूर के दरे नर तो दूर दूर ही पिछे 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 करीब इन्ना करीब ना मैं गुनावा तुलू थोड़े आया और मैं वड़ा विच विच वड़ा यार इन्ना थोड़ा कि हजूर जी ने मैनू उत्थे सद लिया हाँ जी लेकिन हुण मौला अली पाक की गल करना या दीगर इन्हां दी जालियां नूं मैं घुट घुट के फड़िया हुण इत्थे हुंदे मामले कुछ होर
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਵੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫਤਵਾ। ਹੈ ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬਕਾਇਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਤ ਪੁਰਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਜਨਾਬ السلام علیکم شاہ جی، جی کیسے وعلیکم خیریت ہے؟ جی الحمد للہ آواز کلیئر ہے؟ جی ایک کلیئر ہے شاہ جی، آج کل پتہ نہیں تسی تے گئے سے اوتے کیا کہتے ہیں وزٹ تے، جی ماشاءاللہ اللہ تانوں جزا دے، تے پچھوں آج کل نا تو تانوں شاید پتہ ہو سی کہ وہ رضی جڑا ہے مربی جڑا ایک قادیانی، ہاں وہ مربی جڑا ہے اس دی UK چ بڑی ڈیبیٹاں چل رہی ہیں، ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਨਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿਆੜੇ ਦੋ ਤਿਆੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੌਫ ਖਤਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਰਾਕ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਸੇ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਇੰਝ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਰਾਕ ਚ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜੇ ਪਾਏਗਾ, ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 5, 7, 10 ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
या पेंटा शर्टा पाते ने आम रूटीन दिया काले कपड़े। वल्ला मैं तुम्हें सही दसना पिया, एक बंदा भी नहीं मैं वेखिया, एक बंदा भी। मैं बड़ा नोट कर रहा सच चीज़ों। फिर होर केड़े फर्क मैं वेखे ने, पिटना मैं तो नहीं वेखे, सिवाय मैं वेखे ने ए बोहरीए, बोहरीए वो जो टोपी पा के सुनिया वर्गा उन्हों का हुलिया होंगे ना, दाड़ियां रखते ने, टोपियां पाते ने, चिट्टे कपड़े पाते ने, बोहरी पिट रहे सन किथे मूसा काजम रजी अल्लाह अन्हु दे मजार ते, वो ही लगे सन। ते वो भी इंडियंस ने, इंडियन और पाकिस्तान बोहरी मतलब इन्होंने इन्हों के मामले कोई अपने अलग ही, इन्होंने अपना ही कोई दीन मतलब बनाया ले जाना है। मैनू ये कोई गर्द नहीं है। बहरहाल तो जो कुछ मैं एक नोटिस कीतियां ने चीजा वो मैं अर्ज कर रही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब आप ज़्यारत करके आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और करबला शरीफ की, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात, मुबारक हो। शाह साहब मैं करता कि आपने व्हाट्सएप पे वो वीडियोस शेयर की हैं, तो मैं अपने ये टिकटॉक पे या अपने फेसबुक पे शेयर कर लूं वो? बिल्कुल करो, हर जगह करो, जी ठीक है हर जगह। वैसे ये है कि शेयरिंग करिएगा, अभी जब मेरी वीडियोस बन के अभी आएंगी ना, जी मुझे थोड़ा सा वक्त दें, अभी तो मैं आया ही हूँ, तो वीडियो बनाने के अंदर बड़ा वक्त लगता है, उसकी एडिटिंग होती है, उसकी डबिंग होती है, उसकी बड़े मामला, कई प्रोसेस के अंदर गुजर के एक चीज आप तक पहुंचती है। तो पहले उसके ऊपर हर हर चीज के ऊपर मैंने रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, वो सारा मवाद इकट्ठा करना है, उसकी फिर वीडियो बननी है, समझ रहे कि नहीं? तो वो वीडियो फिर करिएगा तो वो ज्यादा फायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, ठीक हो गया और बाजी कोई गलबात करनी कोई? हाँ जी मुफ्ती साहब बिल्कुल, आपने वही चीजें महसूस की हैं जो मैंने भी महसूस की थी। और मुफ्ती साहब ये भी मैंने, आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हर बंदा उधर वो सजदा गाह इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी के वो निशान वगैरह नहीं, किसी मर्द के ना इस तरह। तो नमाज देख ले, वो पैदाइशी उसी पे पढ़ रहे हैं, बच्चा बच्चा सजदा गाह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अच्छा वो एक निशान उम्र की हासिल। गल सुनो जी, मैनू याद आ गई। जी लो जी, ए भी तुहाडे आसे सारे आसे सुन के बड़ी एक नवी जी गल है। लो जी, इमाम बारगा दा लफ्ज़ ही पाको हिंद दी इजाद है। तो पूरी दुनिया किधरे इमाम बारगा नजर नहीं आएगी। वैसे अराग च तो किधरे नहीं, जे है अगर कोई है तो मैनू दस दे यार, सब मसाजद जे मस्जिद, इमाम बारगा एक भी नहीं है, एक भी मैनू लभी नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्ती साहब मैं मस्जिद हनाना गए थे जिसे हाँ इमाम मस्जिद हुसैन। हनाना, मस्जिद सहला। हाँ जी अच्छा, सही है। अच्छा अहमद साहब दोबारा आ गए जी। अहमद साहब जी सॉरी शाह जी, मेरी तरफ इंटरनेट का कनेक्शन का इशू था, तो शाह जी पूछना ये था कि जिस तरह मैं बता रहा था कि ये जब उनकी डिबेट हुई तो हमारे मुसलमान अदनान भाई हैं, उन्होंने ये बात की कि जो मिर्ज़ा कादियानी था उसका ये बाकायदा एतकाद था कि जो सैदना ईसा अलैहिस्सलाम है वो शराबी थे, बिल्कुल बल्कि उसका आपको इतकाद है। जो माएँ हैं वो बदकार थी। जी लेकिन जो आगे से कादियानी मुरब्बी ने, उसने ये बात रखी कि नहीं नहीं ये सिर्फ उन्होंने जो क्या कहते हैं ईसाइयों को इल्ज़ामी जवाब दिया, नहीं नहीं जिस तरह दीगर उलेमा इल्जामी ने जवाब नहीं, वैसे इल्जामी जवाब नहीं, इल्जामी कुछ और होता है। इल्जामी की अपनी एक डेफिनेशन है, इनसे पूछें, कादियानियों से पूछें इल्जामी की तारीफ कर, इल्जामी किसको कहते हैं? वो तो इल्मे मुनाजरा की किताबों के अंदर आपको मिलेगा इल्जामी की डेफिनेशन। ए तो इल्जामी जवाब की डेफिनेशन अगर तुम दस गए तो मैनू नीवे था बिठा लिया, पूछ लो इन्होंने को इल्जामी कहते किनू। हमारी तो कई दफा कादियानियों से गुफ्तगू हुई इस मौजू के ऊपर, जब किसी कादियानी ने कहा कि ये इल्जामी तौर पे, तो मैंने ये सवाल लाजमी किया है, उनको तो कोई नहीं आती तारीफ।
मुंह की खानी पड़ती है इनको, पूछे इनसे, इल्जामी की तारीफ करो, और उसकी पूरी शरायत है वो हमारी किताबों में लिखी हुई, वो एक लफ्ज रटा हुआ इल्जामी इल्जामी इल्जामी, ओ भाई इल्जामी होता क्या बता तो सही ना। जी अहमद साहब जी, और वो इस बात के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था कि देखो अगर फतवा कुफर लगाना है तो पहले उलमा पर लगाओ जिन्होंने उसी तरह इल्जामी जवाब इस्तेमाल किया। नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है, इल्जामी पहले साबित करेंगे तो फिर है ना वो उलमा पर फतवा लगाएंगे। सही, तो यानी उसने उसने मतलब उसका बाकायदा एतकाद था मिर्जा कादियानी का जी, किताबों में लिखा हुआ ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही। कोई एक इधर हवाला मुझे मिल सकता है, कोई बिल्कुल एक आध दे देते हैं, अब ये वाला दे देते हैं, ये वो शराबी वाला दे दीजिए। मैं जी एक अब मेरे जाने के बाद ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैं अपने सिस्टम को वो लगाना भूल गया पासवर्ड, बच्चों ने वो उदम मचाई है मेरे सिस्टम के साथ, तो मैं तुम्हें की दसा कई मेरा इतना कीमती डाटा इन्होंने वो रिमूव कर दिया, और मैं क्या बेड़ा ही तर जे। अच्छा अब मुझे ना वो सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेंगी, और थोड़ा सा मुझे वक्त दें ताकि फिर मैं आपको वो दिखा सकूं। ठीक हो गया, ये लें जी तोहीन। अच्छा जी शराबी यालन, ये मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, ये लें जी शैतानी खदान जिल्द 18 सफा 220 है, और मिर्जे कादियानी की किताब है दाफी उल बला, इसके ये हाशिए में लिखा हुआ है, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने जमाना में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि यहया नबी को इस पर एक फजीलत है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था, और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से उसके सर पर अतर मला था, या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या किसी बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याया का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का ये नाम ना रखा, क्योंकि ऐसे किसे इस नाम से रखने से माने थे। गल समझ आई कोई? अच्छा यहां पर जो तवज्जो वाली बात है वो ये है कि नबियों का ये शेवा होता है कि वो गैर महरम औरतों से ताल्लुक नहीं रखते, उनसे खिदमत नहीं लेती। ये मिर्जे ने लिखा है कि कोई बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। मिर्जे कादियानी जो है वो अपनी खिदमत के ऊपर उसने नौजवान बेताल्लुक लड़कियां रखी हुई थी जो उसकी खिदमत करती थी। ठीक है, ये एक हवाला, आगे सुनिए जी, ये देखें शैतानी खदान जिल्द 19 सफा 435, पास इलाज की गरज से मुजायका नहीं कि अफ्यून शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि ये आपने बड़ी मेहरबानी की कि हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैं डायबिटीज के लिए अफ्यून खाने की आदत कर लूं तो मैं डरता हूं कि लोग ठट्ठा करके ये कहें कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा अफ्यूनी। हवाला सुन लिया जनाब, ये सुनिए शैतानी खदान जिल्द 11 सफा 290, नहायत शर्म की बात यह है कि आपने पहाड़ी तालीम को जो इंजील का मगज कहलाती है यहूदियों की किताब तालमूद से चुरा कर लिखा है, और फिर ऐसा जाहिर किया है कि गोया ये मेरी तालीम है। बस जब से ये चोरी पकड़ी गई ईसाई बहुत शर्मिंदा हैं। तो ये देखिए
मिर्ज़े कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि वो चोर थे माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और वजह यह बताई चोरी की कि तालमूद जो कि यहूदियों की मुसलमान किताब है तो अंजील वहां से चुरा के लिखी। इसमें मसला ये है ना कि इन तीनों हवालों में वो ये बोलेंगे कि ये नहीं, ये बाइबल में मौजूद है, ये बाइबल से उन्होंने नहीं नहीं, वो जब मौजूद दिखाएंगे तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ हाँ, वो दिखाएं ना, कहाँ लिखा हुआ बाइबल में, अगर मौजूद है तो दिखा दे। ये देखिए शैतानी खजाइन जिल्द 9 सफा 387 के ऊपर, मसीह का चाल चलन आपके नजदीक क्या था? एक खाओ पियो शराबी, ये देख ले रहे हैं आप, ना जाहिद ना आबिद, ना हक का प्रस्तार, मुतकब्बिर, खुदबीन, खुदाई का दावा करने वाला। मैं कहता हूं ये जितनी चीजें लिखी हैं, जितनी चीजें लिखी हैं, ये कादियानी साबित कर दे के बाइबल के अंदर लिखी हैं। अव्वल तो उसने ये कहा ही नहीं है ना, मिर्ज़े की इबारत पढ़ ले, वो तो नहीं कह रहा कि ये बाइबल में लिखी है। और अगर बिल फर्ज तुम कहते हो कि नहीं ये मिर्ज़े ने इस वजह से लिखी है कि बाइबल में लिखी है, हम उनको इनाम देंगे कादियानी। और मैं तो क्रिश्चियन के साथ मुनाजरे कर चुका हूं इस मौजू के ऊपर कि पूरी बाइबल के अंदर से दिखा दो कि हजरत मसीह ने खुद ये दावा किया हो कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं। हम तो उनसे ये मुनाजरे कर चुके हैं भाई, तो कादियानी तो चीज ही कोई नहीं। और कुछ हमारे लायक जी? बहुत शुक्रिया शाह जी, जज़ाकअल्लाह आपके टाइम का। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इंजीनियर साहब। जी इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफी देर बाद मेरे घर पाकिस्तान आए हो जी, कोई तकरीबन 10-12 दिन तो राउंड बोर्ड लग ही गए। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगु कर रहे थे, बड़ा मजा आया, मैं सारा सुन रहा था मान लो। अच्छा जी, अच्छा जी, अमीरा कादियानी जी जो पुलिस की विच गल रही है, मैं उधर थोड़ा बहुत के मैं जाना से करना होता है कि वापस आए। बिल्कुल ठीक, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और तुसी जिस आप सॉरी उर्दू बोलता हूं, आपने जिस चीज का इशारा दिया ना वो बहुत अच्छा है कि हमारे अहले तशईयों के अलावा भी जो हमारे अहले सुन्नत के और दूसरे मुकातिबे फिक्र किसी के भी, यानी कि इस तरफ को खास इतना रुझान रहा नहीं है किसी भी मसरूफियत की बिना पर। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप माशाल्लाह वहाँ पर मतलब खुद तशरीफ ले गए हैं, आपने हमें भी सआदत बख्शी, हमने दुआ मांगी थी वहाँ पर मजार के, आपने वीडियो कॉल भी किया, देखा तो माशाल्लाह आप अंदर थे, मेरी किस्मत में था समझ ला, बस ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है सर बड़ा मेनू है मेरे गोश गुजार पर, मतलब ज़हनी तौर मतलब क्या अकीदे के तौर पर तो मुझे पता ही है भी ये बड़े बड़े साहब और मुस्ताफ खबीस हैं, लेकिन ये देखकर तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा रीन्यू करूं अपनी जो लानते हैं ना जो इनके ऊपर भेजी जाती हैं। और हमारे तो जहाँ इधर शहर में जहाँ पर गंद खाना है ना, तो मैं तो जब भी वहाँ से गुजरूँ तो मैं जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैं सबको बताता हूँ भाई इधर लानत भेज के गुजरा करें इस जगह पर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये इनका घर खाना है। ठीक है, मतलब हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन का जहाँ पर है उनके चर्च वगैरह हैं, हमने कभी ये वाली बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि ये तो है ना हमारे खुले दुश्मन है ना, छुपे हुए दुश्मन है ये, हमें जो है वो इस्लाम से खारिज कहते हैं, हमें काफिर कहते हैं, खुद अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार बनाते हैं। फिर हमारा फर्ज है कि हम इनके खिलाफ जो है वो हर मतलब कि जितना मुमकिन हो सके, जिस मौके पर भी हो सके, उनके खिलाफ अलम इकट्ठा करें। बिल्कुल है, सही। और यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, इनको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इनके जो
जो इनके हवारी हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके देन लेन वाले हैं, उनको भी पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। और वो उर्फ आम में अपने आप को साफ ज़ाहिर है इससे दूर रखेंगे, इससे अपने आप को मुंसलिक नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो कादियानियों की भी ये पुरानी आदत है, जहाँ पर वो फंस रहे हों वहाँ पर वो मिर्ज़ा कानी से निकल गया, मिर्ज़ा कादियानी जो है उसको भी वो खैराबाद कह देते हैं, उससे भी पीछे हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर एक कॉलर है जी जी, इनकी टिकटॉक के ऊपर के यूट्यूब पर उस्ताद मोहतरम, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, टिकटॉक के ऊपर। हाँ 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 जी जी, कौन है कॉलर जी, करें बात, कौन? 1 2 3 साहब, जी मेरे भाई, सलाम अलैकुम, आवाज आ रही मेरी? जी वालेकुम सर, जी आवाज आ रही है जी जी। अल्लाह क्या प्यारे मोहतरम, लेकिन मेरा ये सवाल है, कादियानियों का और मुसलमानों का एक ही कलमा है मेरे प्यारे भाई? जी एक ही कलमा है, लफ्जों के एतबार से तो एक है। बिल्कुल, तो इसमें जैसे अगर कादियानी काफिर हैं तो वो भी, उनका भी कलमा और आपका भी कलमा एक कलमा एक है जी? वो लफ्जों के एतबार से एक है ना, मानों के एतबार से अलग अलग है। अब मुसलमानों के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद है अल्लाह पाक, जो बेमिसल बेमिसाल है, वो फरमाता है हुवल्लाहु अहद, वो अकेला और यकता है, लैसा का मिसल ही शय, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। लेकिन कादियानी अकीदे के मुताबिक अल्लाह से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है, कि वो खुद लिखता है कि रईतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कंतु अन्नी हुआ, एक मनाम में मैंने अपने आप को अल्लाह बने देखा, मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ, फिर इस कायनात को मैंने तख्लीक किया। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं जब मैं अल्लाह बन गया तो मैंने फिर जन्नत दोजख बनाई, आसमान बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाए, सितारे बनाए, फिर मैं जमीन की तरफ आया, फिर मैंने आदम को मैंने तख्लीक किया, मैंने ये दरख्त मैंने बनाए, फल मैंने उगाए, ये जमीन के मुख्तलिफ खित्ते मैंने बनाए, ये समुंदर और दरिया और नहरें मैंने निकाली जी। अब मेरा हम जब कहते हैं, बात अभी सुन ले, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई मेरी। ओके जी मैं सुना, कंप्लीट हो गई। हम जब कहते हैं, मुसलमान जब कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उससे मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन आमिना को लेते हैं, जो कि मक्का में पैदा हुए, मदीने में मदफून हुए, जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई माँ अब किसी नबी को नहीं जन्म देगी। जबकि कादियानी कहते हैं कि मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है, मोहम्मद से आजज ने पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर, कादियानी कलमा वो नेट के ऊपर मौजूद है, देख लें, तमाम दलाइल और हवाला जात मौजूद है। ये रोल है असल में, मानवी तौर पे रोल है कि वो अल्लाह से मुराद और मोहम्मद से मुराद मिर्ज़े कादियानी को लेते हैं, मुसलमान अल्लाह से मुराद किसी और को लेते हैं और मोहम्मद से मुराद किसी और को लेते हैं। अब आप बात कर सकते हैं जी मेरे भाई, लेकिन आप अपना कलमा दिखा सकते हैं, क्योंकि कादियानी भी यही दावा करते हैं हमारा कलमा ये, वो मायना, वो उनकी मर्जी हो कोई भी मायना लो, मेन मकसद ये कलमा, अगर कुरान पाक से आप मुझे साबित कर दें तो जी जी जी, जी बिल्कुल कर देते हैं, खोलिए कुरान पाक। तो सवाल लेकर आए, मुझे आपको मुझे डिफाइन करना है ना मेरे प्यारे जी जी, मैं कह रहा हूँ ना, खोलिए कुरान पाक, मैं कह तो रहा हूँ, है पास करीब कुरान पाक, बिल्कुल बिल्कुल खोलिए। हेलो जी, एक मिनट जी, कोई बात, दो मिनट ले लें।
जी है इस्लाम 360 है। चले ठीक है, यहां पर होगी सूरह अस्साफात, सूरत नंबर 37 है और आयत नंबर 35 है। खोलिए आयत नंबर 35, जी जी आयत नंबर 35 है सूरह अस्साफात, सूरत का नंबर 37 है और आयत 35 है। पढ़िए जरा। सूरत का नंबर 37, जी सूरत 37 है आयत 35 है। एक सेकंड, जी ये है, ये वो लोग हैं। जी जी आयत सूरत आयत पढ़िए, आयत पढ़िए। एक मिनट मैं पढ़ लूं पहले। जी इसमें तो शिर्क की बात है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पूरा नहीं है मेरे प्यारे भाई। जी सूरत पढ़िए जरा, ये आयत पढ़िए आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा हुवा काना इज़ा, इन्नमा नहीं है इन्नहुम है। जी इन्नहुम, चलो आप ही पढ़ लें, आप ही पढ़ लें, मैं तो तर्जुमा पढ़ के, कोई मसला नहीं, मैं तर्जुमा पढ़ के समझ गया। इसमें तो नबी पाक का कोई भी मतलब नहीं, तर्जुमा कुरान को नहीं कहते, तर्जुमा नहीं, वो अरबी के अल्फाज को कुरान कहते हैं। तर्जुमा तो नहीं कुरान, तफसीर भी कुरान नहीं है, तफसीर अलग चीज होती है। आप कुरान पढ़िए, जी पढ़िए। अच्छा आप मुझे इधर से साबित करके दिखाएं ना, मेरे तेरे पे कलमा लेते हैं मेरे भाई। आप आयत पढ़ तो दें, नहीं तो बता दें कि आपको नहीं पढ़ना आता कुरान। मैं अभी ये पी रहा हूँ, पढ़ूं? क्या पी रहे हैं आप? सिगरेट पी रहा हूँ भाई। जो भी पी रहे पड़े हैं आप, जब बात कर रहे हैं। मैंने वजू नहीं करा, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। मैं आपसे सवाल करने आया हूँ। आप ऐसा करें, आप कार काटिए। ओहो कोई मसला नहीं, कार काटिए और जाके वजू करके जाए। आपके पास ही से ये भी यही लिखा हुआ, इसका वजू करो यार। ऐसे खामखा नहीं, ऐसे लड़ाइयां नहीं करते। लड़ाई तो नहीं ना करनी, लड़ाई तो करनी नहीं भाई। आप कह रहे हैं मेरा वजू नहीं है, वजू करो, ये कौन सा मसला? सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट बुझा दो, बाद में पी लेना। कमाल करती। है कोई और कोई तो मर्दे कादियान मैदान में तो आओ बात करो। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तुसी वुज़ू कर भी जाओ तो मेरे को लाओगे तो टूट जाना है, नहीं तो मैं तोड़ देना है। अच्छा ये जो है, मैं इसलिए ये आयत पेश की थी, इसके अंदर है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शरीफ का पहला जुज इसके अंदर है। अब अगली एक सूरत में आपको दिखाता हूं, सूरह अल फतह जो के 48 नंबर सूरत है और आयत नंबर है 29 है, उसकी उसको खोल लेते हैं। इसके अंदर है मुहम्मदुन रसूलुल्लाही वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। इसके अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र है, जो कलमा शरीफ का दूसरा जुज है। ला इलाहा का जो जुज था वो सूरह अस्साफात के अंदर है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो जुज है कलमे का वो सूरह अल फतह के अंदर है। यहां पे एक नुक्ता ये बयान कर दूं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह आपको कई जगहों पे मिल जाएगा। मैं आपको सारी वो जगह दिखा देता हूं। सूरा अस्साफात अभी हमने निकाली थी, जो के 37 नंबर सूरत है और आयत नंबर थी 35, और इसके अंदर था ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको मैंने कॉपी किया और सर्च किया,
तो सर्चिंग का ये मुझे निकला है, ये सूरा अल बकरा आयत नंबर 255 के अंदर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ठीक है। इससे मिलती जुलती आपको आयतें काफी मिल जाएंगी। एक मिनट जरा, ये अबे यार, अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दूसरा आपको मिल जाएगा सूरा मोहम्मद, जो कि 47 नंबर सूरत है और आयत 19 के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ये सूरह मोहम्मद आयत 19 ये आपको नजर आ रही है, ठीक है जनाब। तो पता ये चला ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक में कई जगह के ऊपर है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक आयत के अंदर है, और वो कौन सी है? वो है सूरह अल फतह की आयत 29 के अंदर। अब आ जाओ भाई, आओ जरा मैदान में आओ भाई, कादियानियों, आजिज ने जो किताब लिखी है कादियानी कलमा, उसके अंदर ही मैंने हवाले लगाए हैं, वो किताब मैं खोल लेता हूं और उसके अंदर ही आपको दिखाता हूं जी। कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये देखिए जी, सफा नंबर 43 के ऊपर ये उन्वान मैंने बंद है, कलमा तैयबा पर मुसलमानों का अकीदा, ये दोनों आयतें मैंने यहां पे लिख दी हैं, ठीक है। और एक हदीस पाक भी यहां पे लगा दी है मैंने, जिसके अंदर पूरे कलमे का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है जी, वो हदीस भी आपको मिल गई। अब ये जो आयत थी, जो सूरा अल फतह की आयत 29 है, इसके बारे मिर्जा कादियानी क्या कहते हैं, हम अपनी किताब के सफा 48 के ऊपर आपको ले चलते हैं। ये देखिए सफा 48 है, और ये मैंने उन्वान बंद है, कलमा तैयबा वाली आयत मिर्जा पर नाजल हुई, शैतानी खजाइन जिल्द 18 सफा 207 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही यह वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउल कुफारी रुहमाउ बैनहुम, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी, और इसका असल स्कैन सफा 127, मेरी किताब का जो सफा 127 है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, असल स्कैन 127, ये लो जी, ये है सफा 127 के ऊपर ये हाईलाइट इबारत आपको नजर आ जाएगी, ये देख लो, वही आयत के मोहम्मद रसूल्ला वाली जो कलमे के अंदर थी, सूरा अल फतह की आयत नंबर 29, मिर्जा कादियानी कहते हैं वो तो मेरे बारे नाजल हुई, इसमें जो लफ्ज मोहम्मद है उससे मुराद मैं हूं। हां जी, कोई तिश्नगी अभी रह गई है बाकी तो बता दे, नहीं तो एक और हवाला ले लें, कलमातुल फसल है सफा 158 है, मिर्जा कादियानी का बेटा है, वो लिखता है कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और खातमुन नबीयीन को दुनिया में मबूस करे, खातमुन नबीयीन को दुनिया में मबूस करेगा,
एक दफा और खातम उन्नबियीन को दुनिया में मबूस करेगा, जैसा कि आयत आखरीना मिनहुम से जाहिर है। पस मसीह मौद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और मिर्जा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये कादियानी अकीदा है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। और कादियानियों का यकीदा वादे तौर पे यहाँ पे मौजूद है कि कादियानी मिर्जे कादियानी को खातमुन नबीजीन भी मानते हैं और मोहम्मद भी मानते हैं। और कोई साढ़े लायक हवाले बड़े, मैं पूरी किताब लिखी ये देते, हवाले में ला छड़े ने अपनी किताब च, और YouTube की आवाम देख रही है उन हवालों को। हाँ, कोई कमी कुताही रह गई तो जाके वेख लिया जे, तो असल हवाले मिल जाएंगे। जी, और उस्ताद मुहतरम एक बात ये भी नोट करने की है कि जो बोले सीधे साधे कादियानी है, समझते हैं कि नहीं हम ये नहीं मानते वो नहीं मानते, अगर इनका अकीदा दुरुस्त होता तो ये कुरान पाक की आयात पे इतनी ज्यादा तगोदो से बहस मुबाइस से करते। लफ्ज खातम से इनको प्रॉब्लम है, लफ्ज रफाउल्ला से इनको प्रॉब्लम है, जहां जहां पे इन्होंने मिर्जा कादियानी को ऐड करना है वहां वहां से इनको मसला है कुरान से। खातम से जो भी मुराद हो जी, वो मिर्जा कहता खातम मैं हूँ, खातमुल अंबिया मैं हूँ। खोलिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफा 212, मिर्जा कादियानी कहता है मैं, वो अपने आप को कहता है मैं आना, आई एम मोहम्मद, आई एम खातमुल अंबिया, आई एम खातमुन नबीयीन, कहते हैं मैं। बमूजबे आयत वाखरी न मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, विरोधी तौर पर वही नबीए खातमुल अंबिया हूं, और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले इब्राहिम ने अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया है। सुन लिया, कौन है कादियानी? आओ मेरे सामने निकलो बाहर कादियानी, पुत्र मैं क्या सी, मैनु सफर कर लैन दियो तसली दे नाल, ते मैं ज़ियारतां दे निकलिया वा, हजे 4 दिन आराम कर लो, तुसा मैनु चैन नाल बहन नहीं दिता है, ते आ गया मैं हुण, फिर आओ निकलो बाहर कादियानी, तुहाडी है सीधी तैसी, निकलो कादियानी, निकलो कादियानी, मर जाओ। इसलिए हम मिर्जे कादियानी को खंजीर से भी बदतर समझते हैं। अच्छा, बात यह है कि मिर्जा कादियानी फकत नबूवत का दावा करता, इमाम मेहदी होने का दावा करता, कोई मसला नहीं था। बड़ी दुनिया ने किए दावे, सबसे ज्यादा रिएक्शन मिर्जे कादियानी को क्यों, कभी सोचा आप लोगों ने? वो इस वजह से कि मिर्जे कादियानी एक वाहिद बंदा है जिसने जाते मुहम्मदिया का दावा किया कि मुहम्मद हूं मैं। मुसैलमा कज़ाब आया, असवद अंसी आया, बहुत से आए, बहाउल्ला ईरानी था मिर्जे के दौर के अंदर ही, आज भी बहुत से मौजूद है, किसी ने जाते मुहम्मद का दावा नहीं किया, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्शन इसको दिया जा रहा है कि मुहम्मद ही बनने का इसने दावा करे, मुहम्मद ही मैं हूं असल में। इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे मुसलमानों के लगाया हुआ, ओ ईसा, हम असल में ईसा मानते हैं, इमाम मेहदी, ओ नहीं नहीं, इससे भी आगे की मसला है कि मुहम्मद मानते हैं ये, इसको ये इसको ईसा मानते होते शायद फिर भी कोई मसला ना होता, अल्लाह की कसम शायद कोई ना मसला होता, इन्हू इमाम मेहदी मानते होते कोई मसला नहीं सी, इन्ना नहीं सी होना, रोला वे मुहम्मद जाते मुहम्मद दा, ये कहते मुहम्मद ही ये और अल्लाह ही ये, समझे कि नहीं समझे? ये मसले
हजरत ईसा इमाम बेदी वाले भी मसले हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं। असला मसला कुछ और है जी इंजीनियर साहब। सर वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि मैं तो जब भी इनके पास से गुजरता हूँ ना, मैं तो इनका लनत भेज के लाता हूँ जिसको भी बता, जिसको भी मैं मेरे साथ जब जो भी वहां से गुजरे, मैं रुक के वहां पे कहता हूँ इनका लनत भेजी जाए, लाजमी भेजी जाए। क्यों? क्योंकि ये इनका जुर्म ही सबसे बड़ा ये है कि ये बेसिकली इम्पर्सनेट करना चाहते हैं इस्लाम को, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अब और इनके एक बहुत बड़ी इनकी ये जो है ना बेगैरती, वो देखें आप के एक बंदा आया मुझे तबलीग करने के लिए मेरे इनबॉक्स में, ना मैंने उनसे रब्ता किया ना मुझे पता भी ये कौन है कौन नहीं है, ठीक है डीपी पे अल्लाह लिखा हुआ था, मैंने नाम पूछा कहता जी मेरा नाम है अब्दुल्ला, चलो जी वो शुरू हो गया जनाब आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं कहा जी फिर क्यों होया, है जी आपको अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए, मैं कहा की सोचना चाहिए है तुसी पाकिस्तान से आप बाहर निकले, मैं कहा तू चुप करके ना जड़ी गल करनी है, मैं कहा वो गल कर मेरे फ्यूचर छोड़ दे, ठीक है असल में वो अंदर से वो था तो कादियानी था, मैं हूँ कहा यार मेरी सुनो बात, मुसलमान है मुसलमानों को आप क्यों जो है वो उन पे तगोदो कर रहे हैं, मैं कहा आपका ये दावा है ना कि आपका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो ईसा मसीह होने का उसने दावा किया है, कहता हाँ जी किया है, तो मैंने कहा जाके अपना क्रिश्चियंस को क्यों नहीं समझाते, उन्होंने जाके बहस करो, मुसलमानों को क्यों छेड़ते, मैं कहा जिधर उधर बैठा हुआ है गोद में आपका मिर्जा मफरूर जो है वो बरतानिया एक है तो वैसे वो यानी कि सेकुलर है ना, लेकिन उधर क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा इंजीनियर साहब आपकी बात जारी है, आप बात करते रहिएगा, मुझे एक हवाला देना है, ये कादियानी कोई है तो आओ भाई सामने मैदान च निकलो, कादियानियों शैतानी खजाइन है जिल्द 22 है सफा 714 है, हवाला नोट करो कादियानियों, किताबां तुहाडियां ते खोल दे मौलवी जे पे ओए कादियानियों, ओ तुहाडियां तबलीगां करदे जे पे मौलवी ओए कादियानियों, तुहानू खुशियां मनानियां चाहीदियां ने प्लीज। जी सरकार तुसी पहले जो बात कर रहे थे ना ये क्लेम करते हैं हवाला दे लवां एक मिनट जरा मेनु थोड़ा जा हवाला दे पेश कर ले जो आपने बताया है ना कि नौज़ बिल्ला ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लेम कर रहा है वो बाद में रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 714 जिल्द 22 सफा 714 लिखो है थले कमेंट करो है इधर यूट्यूब पे भी लिखो है लिखो जरा रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 714 मिर्जा कादियानी कहता है इन्ना वाद अल्लाह ही आता बेशक अल्लाह का वादा आ गया वादा की सी फातूबा वारकला वर की वाराका लावर की जल्लाश ने मेरे पछवाड़े के अंदर मकद के अंदर रान के अंदर टांग घुसेड़ दी टांग मारी टांग दाखल कर दी हाँ भाई हमें कोई मसला नहीं है मिर्जे का अपना पछवाड़ा था
ये लाश की अपनी टांग थी, हमें किसी से कोई लेना देना, ये लाश टांग घुसेड़े ना घुसेड़े हमें कोई लेना देना नहीं। मिर्जा अपना पछवाड़े का फाटक खोले और उसको इजाजत दे ना दे, हमें कोई लेना देने नहीं। मसूमाना मौलवियाना और मुबशराना एक सवाल है, वो सवाल क्या है? सवाल नोट करो, असल सवाल, सवाल की तरफ आओ ना, असल असल जड़ी गल है वो है कि टांग जब दाखिल करने का जिक्र तो तुम्हारी किताब में मौजूद है, टांग निकालने का जिक्र कहीं नहीं है। वो है पूछना है कि टांग कड़ी भी सी के नहीं। हाँ भाई कादियानी हो मर जो, ऐ मैं सवाल कर लिया है, शायद भाई नू लगता है हवाला हजे तक नहीं जी आया, पूछ लो भावे पूछ लो, देखो शायद भाई हवाला दसो ना जरा। जी जी सरकार। की वाल है? जिल्द 22 सफा नंबर 774। ओए ले देखिया जी ना 774 बन गया। 714 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
अगली गल बाद तेरा मैं करना ए तरीका कर चलो हुण करो गल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब मैं वही आपकी बात वोट करूंगा जो आपने एक मिनट इंजीनियर साहब एक मिनट जी जो आपने जिक्र किया है ना कि ये मिर्जा कादियानी क्या क्लेम करता था जरा आपने ही वो मुझे किताब दिखाई यार मैं टाइम इतना पिया माजरा मैं नमाज़ पर तुसी जारी रखो ठीक हो इधर मैनेज कर लिया जे भाई मैनेज कर लिया ठीक है। अच्छा सर जी कादियानी दा नाम लेना भी गुनाह वा। अच्छा वो दस्से ने तुहानू बाद च मैं नमाज़ पढ़ चले मुफ्ती साहब ये मैं अपना सवाल जो है ना आपके ऊपर रखूंगा और ये प्रूफ दूंगा कि मर्दियों का नहीं इतना बड़ा तजल है ठीक है ठीक है। मैंने मुफ्ती साहब के आने तक मैं आपको दिखा देता हूँ ये मुफ्ती साहब ने मुझे किताब दिखाई थी ठीक है तो ये देख लें जी जनाब मर्दियों का जो सबसे बड़ा तजल है ना इस पर मुझे सबसे सबसे डबल टैप कर दे ब्रॉड ही नहीं चलनी पेंगी थोड़ा जा समझा दो शाहिद भाई मिस्टर पत्तू भाई जरा सवाल ला के आया आपके सवाल का जवाब सिर्फ चंदा सिस्टर देंगी कोई मर्द हजरात बीच में नहीं बोलेंगे आप कॉल पर आ सकती हैं। तैमूर भाई आप माइक ले लें जी बहुत शुक्रिया कश्यप भाई मैंने ना अभी एक वीडियो अपलोड की है शाह साहब की तो वो सब भाई ना एक बार प्लीज हो सके तो ड्यूट करें लेकिन लाजमी उसको देखें अभी और लाइक भी करें अभी मैंने अपलोड की है प्लीज तमूर भाई तो आईडी बड़े तुसा ग्रुप पे भी भेजी है ना जी जी ओ मैं भेजिए यानी कि ना तुहाडे वास्ते कि तुसी लगा सको लेकिन जिहड़ी मैं उधर टिकटॉक ते अपलोड कीती ना उहनू लाजमी तुसी मेहरबानी है लाइक और शेयर लाजमी करना हो सके ते ड्यूट लाजमी करना चंदा सिस्टर नीचे एक खातून आई है वो कह रही है कि मेरे फॉलोअर पूरे नहीं है क्या मैं लिखकर सवाल कर सकती हूँ आप इजाजत देती हैं जी जी
करें करें जी करें जी। स्टाइलिश शहरी साहिबा, अगर आप वाकई खातून हैं और अगर आप खातून नहीं हैं तो कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक कि अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले पर लानत करता है, अब खुद समझें। सवाल करें अपना लिख के। सब भाई मिलके टैप टैप लाजमी करें, ब्रा टैप टैप ना रोके प्लीज। अच्छा तैमूर भाई, हम सुबह बात कर रहे थे एक ब्रॉड पे, शाद भाई की ब्रॉड पे, कि मिर्ज़ा को हर इंसानों से तो चलो उसे मतलब इन क्या कहते हैं वहशत सी थी ना उसे, यानी कि जो उसके दिमाग का बंदा नहीं होता था उसके पीछे चढ़ जाता था बददुआएं और इस तरह, उसे ज़मीनों से भी मसला था। ऐ काबल की ज़मीन तू अल्लाह की नज़र से गिर गई, रोज़े मैशर तक ऐसे ही। और फिर उसने पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो जहाँ पे रहाइश थी गोलड़ा शरीफ, लिख रहा है ऐ गोलड़ा की ज़मीन तू इस मलून की वजह से नौज़ुबिल्लाह मलून हो गई। ज़मीनों का क्या ताल्लुक है, सोचने की बात है। ये क्या साइको मसला है कि लड़ाई मेरी आपकी है, अंदर जमीनें आ गई, ये क्या है? पागलपन के दौरे हैं इसको, गुस्ताख है, शातम है, खंजीर किस्म का इंसान, इंसानियत के दायरे से भी ये नीचे था। वो सिस्टर वो और माइग्रेन और जो शुगर और ब्लड प्रेशर, इन तीनों का जो ताल्लुक है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इन तीनों चीज़ों की ज़्यादती जो है ना वो बहुत यानी कि इससे जो दौरा पड़ता है ना, जैसे यूरोप में बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, तो उन्हें कहते हैं कि आप घर के अंदर स्टे ना करें, आपके दिमाग की नस जो है वो फट सकती है ना, आप स्टे ना करें घर में, आप आउटसाइड चले जाएं या हॉस्पिटल चले जाएं या जल्दी जल्दी जो है ना कोई करें उसका ये मतलब हल करने की कोशिश करें। और मिर्ज़ा कादियानी को शुगर भी हाई रहती थी और आखिरी दम तक उसने कभी परहेज नहीं किया, यानी कि अनमोड़, और वो कहते ना मर्दे ने अनमोड़, यानी कि उसको फील ही नहीं कभी होता था, हालांकि डॉक्टर भी अंग्रेज ही होंगे उस वक्त में उसके, तो वो मना करते थे कि आप ये चीज़ें ना खाएं। अब तो चलो एडवांस हो गया ज़माना, लोग नहीं मना करते, लेकिन मिर्ज़ा वो ज़्यादा खाता था। और मिर्ज़े के जो मुरीद है ना, जो 313 बंदे, वो जो मेरा परदादा भी शामिल थे, मैंने उनसे ये सुना कि जो हमें मना करते थे ना वो चीज़ हमारे ख्यालों में ख्वाबों में ज़्यादा आती थी, और हम फिर सुबह खाली पेट बनवा के खाते थे फिरनी, ज़्यादा शक्कर डाल के, फिरनी के ऊपर भी शक्कर तोड़ के, यानी कि उनको जिन चीज से मना किया जाता था वो एक्स्ट्रा फिर उनको ख्वाबें आती थी, फिर वो ख्वाब अल्हम्मी तौर पे फिरनी खाना चाहते थे। हाँ जी तुसी ओदी ज़हनियत दा दादा इत्थों ला लो कि उन्हें चप्पलां पुठियां पाइया ने, पेंट दा कोट बटन नूं लाया है उन्हें, ते गर्मियां च उन्हें कोट पाया है, दंद ओहदा टुटा है, राला ओहदियां चौन दईआं ने, नली ओहदी वगन दई है, तैमूर भाई अड्डियां पार्टियां ने, और तीन तीन जराबां पा के रखदा है, अज दे जमाने च जिहड़ा तीन या दो या एक जराब भी पा के रखे ना इंसान, तुसी अपने बुजुर्गां नूं देखिया होगा, चाचे ताए किसे नूं, मैं जिन्ने लोग देखे ने जिहड़े जराबां दा इस्तेमाल करदे ने अच्छे तरीके नाल, तेल वगैरा लगा के एड़ियां नूं, उन्हां दे कदी एड़ियां नहीं फटियां होंदियां। मिर्ज़े कादियानी दे अंदर एक ऐसियां शैतानी चीज़ां सी, उहदियां अड्डियां वी खतरनाक पार्टियां होंदियां सी, और जिहड़ी चीज़ नूं मतलब उहदी अड्डी लगदी सी ना जिहड़े कपड़े नूं, उह कपड़ा नाल